मीमी रात को खाना खाकर सोने चली जाती है, लेकिन रात को उसे बहुत सारे डरावने सपने आ रहे थे। उसे सपने में बहुत सारे डरावने क्रिएचर भी दिख रहे थे। सुबह उठने के बाद जब वो बाथरूम जाती है तब वो देखती है कि वो एक रेड कलर की पांडा में बदल गई है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे लग रहा था कि वो एक सपना देख रही है, ये सब रियलिटी नहीं है। उसकी आवाज सुन के उसकी माँ उसके पास आकर पूछती है, सब कुछ ठीक है? वो बोलती है, हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। उसकी माँ के चले जाने के बाद वो अपने रूम में जाके बेड पे सो जाती है। उसे लग रहा है कि वो सब एक सपना है, जो सोने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसके कान गायब हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा शांत रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो फिर से बिल्कुल नॉर्मल बन जाता है।